हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो अभी अपने बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में है और उनका अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और उनका सीएससी ब्रांच है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो उनको मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना पड़ता है इन थर्ड सेमेस्टर। तो इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बेटा, थोड़ा सा अपन पीछे की बातें करते हैं। मैथमेटिक्स 1 से हमारा सफर शुरू हुआ था। बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स 1 लिया था पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, जो सीएससी ब्रांच में थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास होने के कारण, ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण, और आपका मैथमेटिक्स 2 थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का था मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने मैथमेटिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट नहीं करा था। लेकिन मैथमेटिक्स 3 बेटा वैसा नहीं है। मैथमेटिक्स 3 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना, वो क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स 3 है बेटा, वो पूरे कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। तो बहुत बच्चों का डिमांड भी आ रहा था, सर कि मैथमेटिक्स 3 आप स्टार्ट कीजिए, भले आपने मैथमेटिक्स 2 नहीं कराया था। तो प्यारे बच्चों, अब एकदम भी परेशान नहीं होना, मैथमेटिक्स 3 का मैं कोर्स लेकर आ गया हूँ। जो नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा, आखिर तक देखना, मैं वहां पे गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा। एंड जो पुराना बच्चा है हमारा पीटीयू का, वो तो भैया खुश हो जाओ, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आपके ऐप पर भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का डिमांड था तो पहले मैंने ऐप पे लॉन्च कर दिया, देन अभी मैं यूट्यूब पे इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, तो हमारे स्ट्रेटेजी क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर हमारे 4 मॉड्यूल्स अपन को पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 आपस में क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूरा जो कंटेंट है, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। पहला वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, जो मॉड्यूल 3 है, और दूसरा वाला क्या है बेटा, आपका हायर ऑर्डर का है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर ले अच्छे से बेटा, तब आप एक प्लस पॉइंट में आ जाओगे। और ये खास बात पता है इस चैप्टर का क्या है, कि ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको कंसेप्ट पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, देन आप दिक्कत में आ जाओगे। तो यहां पर क्या है बेटा, कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भले ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसे इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड है। और इस बार आपके एग्जाम्स भी ऑफलाइन होने वाले हैं बेटा, तो इस बार तैयारी अच्छे से करना है। मैं भी वापस आ चुका हूं, आप भी वापस आ जाइए, ठीक है, उसी मोड में, कि नहीं यार अपन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छा अच्छा रिजल्ट क्या करना है बेटा, अचीव करना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो टॉपिक्स है बेटा, वो है आपका लीनियर, ठीक है, बर्नौलीज आयलर इक्वेशन पढ़ना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री पढ़ना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एक्स पढ़ना है, क्लैरिटी टाइप पढ़ना है, ठीक ठाक है। इसको कवर करने में कम से कम अपन को 20 से 22 लेक्चर्स लगेंगे बेटा, उसमें ये कवर अप हो जाएगा। देन आते हैं हायर ऑर्डर में। तो हायर ऑर्डर में ये जो पहला टॉपिक है ना बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं, तो अगर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे भी क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है। ये जो दो टॉपिक है ना बेटा, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसको कवर अप करने में कम से कम अपन को मानकर चलो 25 से 30 लेक्चर्स लगेगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग करने वाले हैं आपका मॉड्यूल 1, जहां पर यहां से यहां तक जो आपका टॉपिक है बेटा, ये कैलकुलस का है, ठीक है। ये किसका टॉपिक है बेटा, आपका कैलकुलस का है, ठीक है। और तो यहां से यहां तक है बेटा आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ये आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दो चैप्टर्स हो जा रहे हैं, यहां पर कैलकुलस का और डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का मिक्सअप है, तो ठीक है, इजी है, आराम से अपन कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ये भी मानकर चलो आपका कि अगर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन ले लिया जाए, तो ये 25 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 3 मॉड्यूल हम लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग एक सेफ साइड में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सेफ होने के बावजूद भी बेटा, अपन को अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है,
ठीक है, अपन फिर पढ़ेंगे मॉड्यूल टू जहां पर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज होता है बेटा। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन को सीरीज दिया हुआ रहेगा जिसे अपन को प्रूफ करना रहेगा कौन कन्वर्जेंट होता है कौन डाइवर्जेंट होता है, और वहां पर अपन को विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जैसे राबेस टेस्ट हो गया, डीएलएमएस टेस्ट हो गया, आपका कॉचिस टेस्ट हो गया, लेबनिज टेस्ट हो गया, ये सब सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एकदम बूस्टअप रहना है मॉड्यूल थ्री मॉड्यूल फोर के लिए क्योंकि आपस में कनेक्टेड है बेटा। आराम से आप इसको पढ़ो, समझ में भी आएगा, क्वेश्चंस ओरिएंटेड नहीं है बेटा, कंसेप्ट ओरिएंटेड, आप आराम से कर पाओगे। देन हम लोग करेंगे मॉड्यूल वन, ठीक है बेटा, उसके बाद अपन मॉड्यूल टू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स आपका अपडेट हो जाएगा नवंबर लास्ट तक, ये आपका पूरा कोर्स जो है टोटल ईच एंड एवरी टॉपिक आपका नवंबर लास्ट तक अपडेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी आपका सितंबर चल रहा, अक्टूबर नहीं नवंबर, मतलब ढाई महीने में पूरा कोर्स आपका अपडेट करवा दिया जाएगा। चलिए, कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो तो भाई बिना डेमो के आप जाइए आराम से पहले अपना कोर्स परचेस कीजिए, स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अब जाहिर सी बात है मेरे बोलने पर वो मेरा कोर्स ज्वाइन क्यों करेंगे, तो बेटा आपके लिए मैंने एक इंतजाम करा है, वो है आपके डेमो लेक्चर का, तो आइए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम जो अपन को करना है, ठीक है, आप समझ लो पहले, जो नया बच्चा है वो चीजों को अच्छे से समझ ले, नहीं तो बच्चे फिर क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं। एकदम अच्छे से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूं ताकि मैं परेशानी से थोड़ा सा बच जाऊं। ठीक है, देखिए बेटा, अभी आप हैं सिलेबस के वीडियो में, अभी आप हैं कहां पर सिलेबस के वीडियो में, इसके बाद बेटा मैं आपको डिफ्रेंसिएशन के तीन लेक्चर्स दूंगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन के एक लेक्चर में आपको दूंगा ताकि आपका जो बेसिक है वो एक बार क्या हो जाए रिकॉल हो जाए। ठीक है, एक बार बेसिक क्या हो जाए बेटा आपका रिकॉल हो जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन के कारण बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो ठीक है आपने अगर अच्छे से पढ़ाई भी की है बेटा तो फिर भी एक बार आप क्या करो बेटा रिकॉल करो। देन उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल थ्री के कम से कम तीन से पांच लेक्चर्स आपको एज अ डेमो दे दूंगा। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैथमेटिक्स थ्री का पीटीयू पंजाब फॉर सीएससी ब्रांच, प्लेलिस्ट में जाकर आप डिफरेंशिएशन के तीन लेक्चर, इंटीग्रेशन के एक लेक्चर और मॉड्यूल थ्री के मैं एक दो लेक्चर डाल दूंगा बेटा, आप आराम से उसको पहले पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ठीक है कि आप मेरा क्लास ज्वाइन करो, नहीं, पहले आप इतनी जो क्लासेस मैंने यहां पर प्लेलिस्ट बनाया है आप उस प्लेलिस्ट में जाके इतनी क्लासेस कर लो, आपको लगता है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है बेटा, तब जाके आप हमारी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद उस ऐप के स्टोर पर जाना, ऐप जब डाउनलोड करोगे बेटा आपको नीचे एक स्टोर टैब दिखेगा, स्टोर पे आपको जाना है, स्टोर पर आप जाके बेटा सर्च करोगे PTU, आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करोगे PTU, तो बेटा आपको मैथमेटिक्स थ्री वहां पर दिख जाएगा PTU का, ठीक है, फॉर सीएससी ब्रांच, तो फिर आपको उसी मैथमेटिक्स थ्री को क्या करना बेटा परचेस करके जो पूरे वीडियोज है फिर वहां पर मिलेंगे। और मैंने क्या बोला कि वहां पर ही बेटा पूरा कंटेंट एक बार में नहीं मिलेगा आपको, मैं धीरे धीरे वहां पर क्या करता हूँ अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप डेमो को अटेंड कीजिए, आपको लगता है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा बेटा, दूसरों को भी शेयर करो ताकि उनका ही भला हो पाए, क्योंकि मॉड्यूल थ्री और मॉड्यूल फोर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने बहुत देखा है कि वहां पर शॉर्टकट नहीं मारा जाता, टीचर्स क्या करते हैं बेटा जल्दी जल्दी भाग जाते हैं वहां से, नहीं वहां से भागने की जरूरत नहीं, उन टॉपिक से उन टॉपिक में रुक कर क्या करना बेटा आपको क्लियर करना है सब कुछ। ठीक है, चलिए बेटा, तो जो नए बच्चे बेटा उनको मैंने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, आप ये स्टेप्स को फॉलो करें, कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, 7987835375 इस पे आप कॉल और व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय, टाटा।